अब एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम कैसे डेवलप करना है देखते हैं। सर्किल का एरिया फार्मूला क्या है? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई इज अ कांस्टेंट। पाई वैल्यू क्या है? पाई इक्वल टू 3.14। आर माना रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? सी एफ इक्वल टू 2πr। 2 इज द कांस्टेंट, पाई इज द कांस्टेंट, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। सो यह कांस्टेंट को डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर रेडियस दिया तो सर्किल का एरिया और सर्कमफ्रेंस को ये फार्मूलास यूज करके लिख सकते हैं। ये फार्मूलास प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर पाई इंटू आर इंटू आर। 2πr को कैसे लिखते हैं? 2 इंटू पाई इंटू आर। ये फार्मूलास को यूज करके स्टेटमेंट लिखते हैं। पाई में डेसिमल पॉइंट्स है और रेडियस को भी डेसिमल में भी दे सकते हैं। सो इसलिए फ्लोट डाटा टाइप से डिक्लेयर करना है। फ्लोट रेडियस आर, पाई इज पाई, पाई वैल्यू कितना? 3.14 सेमीकोलन। एरिया ए इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर सेमीकोलन। सर्कमफरेंस सी एफ इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर सेमीकोलन। इसको यूज करके प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखते हैं। फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14, रेडियस आर कामा एरिया कामा सर्कमफरेंस सी एफ सेमीकोलन। नेक्स्ट रेडियस एंटर करने का स्टेटमेंट प्रिंट एफ। एंटर रेडियस ऑफ द सर्किल स्कैन एफ परसेंटेज एफ कमा एम्परसेंड आर। नेक्स्ट कैलकुलेशन स्टेटमेंट्स एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर सेमीकोलन। सी एफ इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर सेमीकोलन। अब कैलकुलेशंस डिस्प्ले करने का स्टेटमेंट्स प्रिंट एफ बैक स्लैश एन एरिया ऑफ द सर्किल परसेंटेज एफ कमा एरिया। नेक्स्ट प्रिंट एफ बैक स्लैश एन सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल परसेंटेज एफ कमा सी एफ। अब प्रोग्राम रन करके वैल्यू सेंटर करके चेक करना है। ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं।